स टू अग्री यानी अपनी मर्जी से वॉलेंटरली अपनी सहमति देना सेक्शन थर्टीन ऑफ द एक्ट स्टेट्स जब दो लोग सेम थिंग पे सेम सेंस में अपनी मंजूरी देते हैं इट इज सेट टू हैव किन कंसेंट जैसे मान लो आई एम रेडी टू सेल यू माई फ्लैट एट रुपीज ट्वेंटी लैक्स एंड आपके दिमाग में भी वही फ्लैट है एंड यू आर एक्सेप्टिंग इट दिस इज कॉल्ड अग्रीग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस बट क्या इस तरीके का एक्सेप्टेंस काफी है वैलि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अब मान लो वही घर अगर मैं आपको डरा के धमका के एट अ गन पॉइंट खरीदने के लिए ज़बरदस्ती कर रही हूँ अब यहाँ भी तो आपके दिमाग में वही चीज़ है बट क्या आप अपनी मर्जी से हाँ बोल रहे हो नहीं ना इसलिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सिर्फ कंसेंट नहीं फ्री कंसेंट का होना बहुत जरूरी है और एक कंसेंट फ्री कब बनता है जब उसमें ये पांच चीज़ें ना हो तो नंबर वन कोर्जन टू अंडी इन्फ्लुएंस थ्री फ्रॉड फोर्थ मिसरेप्रेजेंटेशन एंड फिफ्थ इज मिस्टेक इफ एनी ऑफ दीज आर प्रेजेंट कंसेंट इज नॉट फ्री एंड द कॉन्ट्रैक्ट शाल नॉट बी वैलिड अब आज के इस वीडियो में बच्चों हम दो कॉन्सेप्ट दैट इज क्वर्जन एंड एंड इन्फ्लुएंस को डिटेल में एग्जाम्पल्स एंड केस लॉस के साथ कवर करेंगे अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वर्जन विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन फिफ्टीन ऑफ द एक्ट अब जन का जनरल एंड सिंपल मीनिंग होगा कि किसी को डरा के धमका के, के किसी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को डिटेन कैद करके ऐसा कुछ करने की धमकी देने को ही coercion कहते हैं। आप कुछ कर रहे हो या सामने वाले को डरा रहे हो कि आप उसे कुछ करोगे लेकिन क्या सी द सेकेंड लाइन एन एक्ट फॉरबिडन बाई इंडियन पेनल कोड यानी कुछ ऐसी डिफाइंड है तो आप कोई भी ऐसा एक्ट करते हो या करने की धमकी देते हो उसे क्वेजन माना जाएगा ना तो थर्ड लाइन में कुछ और चीजों को भी क्वेजन कहा गया है जैसे अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी यानी किसी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को अनलॉफुली इलीगली बंद करके रखना कैद करके रखने को ही डिटेनिंग कहते हैं ये भी कोर्जन होगा और ये सब कोई क्यों कर रहा है ताकि सामने वाला पार्टी डर के अपना कंसेंट दे दे और कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर ले सो so, इस तरह अगर आप किसी को डरा धमका के मारपीट करके उससे या उसकी प्रॉपर्टी को डिटेन करके अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाते हो इट अमाउंट्स टू कोर्जन एंड ना वो कंसेंट वैलिड होगा ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ क्वर्जन अब यहाँ मैंने आपकी कनपट्टी पे बंदूक की नोक रखते हुए कहा अगर आपने प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करोगे तो मैं ये बंदूक चला दूंगी अब आप डर के अपना कंसेंट देते हुए कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो अब आप बताओ क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा क्या आपका कंसेंट फ्री था नहीं ना because of coercion you have entered into this contract and any contract entered by coercion is voidable at the option of party on whom the coercion has applied yane lo. आपने आज तो डर के हाँ बोल दिया एंड घर मेरे नाम ट्रांसफर कर दिया लेकिन कल आप उस घर से निकल ही नहीं रहे हो ताकि मैं वहाँ आ सकूँ अब क्या वो कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में मैं कोर्ट में आपके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकती हूँ बिल्कुल कर सकती हूँ बट यहाँ आपको ये प्रूफ करना होगा कि आपका कंसेंट फ्री नहीं था और आप पे को अप्लाइड हुआ था इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है अब बच्चों सिंपल सा रूल है इंडियन लॉस कहाँ अप्लाई होते हैं ऑफकोर्स इंडिया में अब यहाँ एक पॉइंट और क्लियर कर लो कि इट इज इमेरियल कि जहाँ क्वेजन हुआ वहां इंडियन पेनल कोड एप्लीकेबल था या नहीं था क्योंकि क्वर्जन कहीं भी किया हो क्वर्जन से दिया हुआ कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल ही बनेगा जैसे मान लो ए ने इंग्लैंड की सी शिप में क्वर्जन अप्लाई करके बी से एक अग्रीमेंट एंटर करवा लिया अब जब ए एंड बी इंडिया में कोलकाता पहुंचे तब बी ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से मना कर दिया अब इंग्लैंड के समुद्र में इंडियन लॉस तो अप्लाई नहीं होंगे तो क्या वो क्वेजन इंडिया में वैलिड होगा क्या बी को अपना पार्ट परफॉर्म करना पड़ेगा बिल्कुल नहीं आईपीसी उस जगह पे एप्लीकेबल हो या ना हो क्वर्जन से दिया कंसेंट विल नॉट बी ट्रीटेड एज फ्री कंसेंट एंड हेंस द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी वॉयेबल अब अगर सेक्शन 15 कोर्जन की डेफिनेशन को एनालाइज करें तो बच्चों कोर्जन किसी भी पर्सन द्वारा किया जा सकता है जरूरी नहीं है कि क्वर्जन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ही करे अब मान लो मैंने आपको डराने धमकाने मारने के लिए कुछ गुंडे भेजे तो क्या मैंने आप पे क्वर्जन किया ऑफ कोर्स जरूरी नहीं है कि वो एक्ट मैं ही करूँ अगर वो एक्ट मैं किसी से करवा रही हूँ स्टिल इट वुड बी क्वर्जन अब क्वर्जन जरूरी नहीं है कि फिजिकल हार्म ही हो एक डर एक मेंटल फियर भी क्वर्जन में इंक्लूडेड है क्वेजन इंक्लूड्स अनलॉफुल डिटेनिंग या फिर थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी पर्सन और प्रॉपर्टी अब बच्चों मान लो एक अग्रीमेंट साइन करवाने के लिए अगर मैंने किसी पर्सन को एक कमरे में बंद कर दिया खाना पीना सब कुछ दिया लेकिन कहा जब तक साइन नहीं करोगे बाहर नहीं जाने दूंगी तो इसे कहेंगे अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ अ पर्सन ये भी क्वेजन है और डराना धमकाना कैद करके रखना ये सब करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटेंशन होता है कि सामने वाला अपना कंसेंट देकर अग्रीमेंट एंटर कर ले नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ क्वेजन तो बच्चों नंबर वन क्वेजन मेक्स अग्रीमेंट वॉइडेबल यानी जिस पर्सन के साथ क्वेजन हुआ है वो पर्सन उस अग्रीमेंट को परफॉर्म करने के लिए अवॉइड कर सकता है नंबर अगर से कोई मनी या प्रॉपर्टी लिया है तो वो मनी रिपे करनी होगी और वो प्रॉपर्टी रिटर्न करनी पड़ेगी एंड है नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एन इंटरेस्टिंग केस ऑन क्वेजन चिक्कम अमीरा जो वर्जे चिक्कम शिशम अब इस केस में हस्बैंड ने वाइफ को धमकी दी कि वो सुसाइड कर लेगा अगर वाइफ ने अपनी प्रॉपर्टी हस्बैंड के भाई के नाम ना की तो अब वाइफ बेचारी ने डर के खुद की प्रॉपर्टी हस्बैंड के भाई के नाम ट्रांसफर तो कर दी बट बाद में ट्रांसफर करने से मना कर दिया अब यहां कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड का सुसाइड की धमकी देना इस क्वेश्चन ऑन वाइफ हेंस द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वेबल ऑन पार्ट ऑफ वाइफ तो बच्चों ये था लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एक्साम्पल अब आई एम अ क्रिमिनल लॉयर अब एक क्लाइंट मर्डर करके मेरे पास आता है टू सेव हिम टू गेट इन टू द जेल अब केस क्रिटिकल है बट मुझे पता है कि मैं संभाल लूंगी मैं उस क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करती हूँ और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट करके उसकी बेल यानी टेम्प्रेरी रिलीज करवा देती हूँ अब ये क्लाइंट बड़ा खुश हो जाता है मेरी सर्विस से एंड ही आस्क मी फॉर माई प्रोफेशनल फी मैं जानती हूँ कि क्लाइंट बहुत रिच है एंड उसके नाम पे अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज है सो इन रिटर्न ऑफ माय फी आई टेल हिम कि फीस रहने दो आपकी खुशी से आपका अंधेरी लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स के एटीन फ्लोर पे जो आपका फोर बीएचके फ्लैट है वो मेरे नाम कर दो बस इतना ही अब वो क्लाइंट हैरान होकर कहता है कि करोड़ों की प्रॉपर्टी कैसे दे दूं? अब मैंने साफ साफ कह दिया देख भाई जैसे बेल करा सकती हूँ वैसे जेल भी करा सकती हूँ अब तू सोच ले अब बच्चों टेक अ नोट यहाँ दो पार्टी है एक मैं और एक मेरा क्लाइंट दोनों में से एक पार्टी स्ट्रॉन्गर पोजिशन में है और दूसरी एट अ वीकर पोजिशन अब आप बताओ कौन स्ट्रांगर पोजिशन पे है और कौन वीकर पोजिशन पे ऑफ कोर्स यहां मैं स्ट्रॉन्गर पोजिशन पे हूं और मेरा क्लाइंट थोड़े वीक पोजिशन पे है अब जो मैं डिमांड उससे कर रही हूं आई से मैं अपनी पोजिशन का अनफेयर एडवांटेज ले रही हूँ बच्चों इसी को तो कहते हैं नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन जब दो पार्टी में से अगर एक पार्टी डोमिनेंट यानी स्ट्रॉगर पोजिशन पे हो और अगर दूसरी पार्टी थोड़ी वीकर पोजिशन पे हो और अगर स्ट्रांगर पोजिशन वाली पार्टी अपने पोजिशन का एडवांटेज लेते हुए अपने फायदे के लिए वीकर पोजिशन वाली पार्टी से कोई अनफेयर या अनड्यू एडवांटेज गेन करती है देन इट इज सेट दैट अनड्यू इनफ्लुएंस डन तो बच्चों कुछ ऐसे रिलेशन है जहां कोर्ट प्रिज्यूम करके चलता है कि अंडियो इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ होगा अनलेस अ कॉन्ट्ररी इज प्रूव नंबर वन अगर कोई पर्सन एपरेंट यानी फुल अथॉरिटी या पावर होल्ड करता है किसी दूसरे पर्सन पे जैसे एक फादर ने अपने सन को लोन दिया उसकी माइनॉरिटी के टाइम अब जब वो बेटा मेजर हो गया तो उसके फादर ने पेरेंटल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए अपने बेटे से एक बॉन्ड साइन करवाया फॉर अ हायर अमाउंट

किसी को उसके साथ डिस्क्लोज नहीं करता और उसके डिफेंस में कोर्ट में फाइट भी करता है दिस इज द रिलेशन ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द एडवोकेट एंड क्लाइंट उसी तरह फिड्यूशी रिलेशन डॉक्टर एंड पेशेंट के बीच होता है टीचर एंड स्टूडेंट के बीच होता है फादर एंड सन हस्बैंड एंड वाइफ तो ये कुछ रिलेशन है जहाँ कोर्ट प्रज्यूम करके चलता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ होगा अनलेस अ इज प्रूव्ड पॉइंट नंबर थ्री अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किसी ऐसे पर्सन के साथ एंटर किया जिसकी मेंटल कैपेसिटी टेम्परि या परमानेंटली अफेक्टेड हो जो बहुत ज़्यादा ओल्ड या बीमार हो या शारीरिक तौर पे अनफिट हो या फिर एक अनपढ़ यानी इलिटरेट पर्सन है जो कि एक वीकर पोजीशन पे है जैसे मान लो इफ अगर एक पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार है अब एक डॉक्टर उसका इलाज करने का एप्सवर्ड पे मांगता है और ये भी पता है कि उसका इलाज सिर्फ वो डॉक्टर ही कर पाएगा अब ऐसे केस में उस पेशेंट के पास कोई और चारा नहीं है उसे डॉक्टर की मुंह मांगी कीमत देनी होगी क्योंकि पेशेंट एक वीकर पोजीशन पे है डॉक्टर ने अपने पोजीशन का फायदा उठाकर एक अनफेयर फी मांगी तो ये हो गया अनड्यू इन्फ्लुएंस नाउ लेट अस अंडरस्टैंड की अगर अंडियो इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करके कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है तो उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या इफेक्ट होगा लॉ में नंबर वन अंडियो इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करके किया गया कोई भी अग्रीमेंट बन जाएगा अवॉयेबल मतलब अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी ऑन इन्फ्लुएंस इज एक्सरसाइज नंबर टू अगर अंडियो इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करके कोई मनी या प्रॉपर्टी लिया है तो वो मनी रीपे करनी होगी और वो प्रॉपर्टी रिटर्न करनी पड़ेगी नंबर थ्री जिस पर्सन के साथ अंडियो इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ है वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को रिस्किन या ने, भी कर सकता है अब 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 मान लो एक टीचर टीचर ने ने स्टूडेंट को को किया कि अगर आपको एग्जाम में 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 अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप अपनी ब्रांड न्यू न्यू कार मुझे दो। अब बच्चे ने प्रेशर में वो न्यू कार मुझे दो। बच्चे 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 प्रेशर आके वो बहुत ही कम दाम में टीचर को दी। अब उस बच्चे के पापा या फिर वेल तो बच्चों यहां द टीचर कैन बी सूड फॉर एक्सरसाइजिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस अगेंस्ट द स्टूडेंट तो बच्चों ये था इंटायर कॉन्सेप्ट ऑन एंड इन्फ्लुएंस आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी क्लियरली एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स टू इट डू लेट मी नो इन द कमेंट बिलो अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम बाकी के बच्चे तीन एलिमेंट्स फ्रॉड मिसरेप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक को कवर करेंगे ऑल्सो इफ यू वॉन्ट द नोट्स ऑन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डू ज्वाइन मी ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप ऑफ विच द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो टिल देन Thank you everyone, bye bye.